हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई थी कि गरीबों को राशन पहुंचाया जाएगा। लॉकडाउन भी मुकम्मल नहीं क्योंकि लोग घरों से निकलकर काम कर रहे हैं। कल दो सनतकारों की फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया और लोगों को गिरफ्तार किया गया। कब तक इस किस्म का लॉकडाउन बर्दाश्त किया जा सकता है? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम, हलीम आदिल, खुर्रम शेर जमान और दीगर का सिंध हुकूमत से सवाल। बोले, हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर आइंदा का लाहे अमल तय करे। साईं वहां अस्पताल पहुंच गया, साईं वहां पहुंच गया, साईं ने स्कूल बंद कर दिया, साईं ने शादी हाल बंद कर दी, साईं ने तो कमाल कर दिया, सब बंद कर दिया। साईं वाह से वाह, सब पीछे चलो उसके। हमने भी सोचा भाई साईं उस वक्त तो वाह कहते, हम तो कहने वाले थे चाइना के सदर शी जिनपिंग को लिखने वाले थे कि वुहान का वजीर आला बना दो, हम दे रहे हैं आपको तोहफे में। फिर हमें सोचा अमरीका का सदर बनवा दिया जाए, इटली का वजीर आजम बना दिया जाए, क्योंकि हम भी परेशान थे कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। 17 तारीख को इन्होंने कह दिया कि हम लॉकडाउन करेंगे, 21 तारीख को 22 को अनाउंस कर दिया। इससे कि जब आप स्टेक होल्डर से साथ मिलकर नहीं चलेंगे तो आप पे ये इल्जाम लग सकता है, जो इनके एक तरफ से इनका अजीब किरदार है, एक तरफ तो वफाकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी और परसों शहीद गनी साहब ने कहा हम भी एहसास प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। भाई हम इतने खराब थे तो तुम तो अपना प्रोग्राम चलाते भाई, इससे कि उनसे कुछ चल नहीं रहा। जो कि साबित उन्होंने कर दिया वक्त के साथ साथ कि वो नलायक के आला हैं, वजीर आला नहीं है। इन साहब ने 17 तारीख को अनाउंस किया था कि हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से बिलावल जरदारी के साथ बैठ के इन्होंने अनाउंस किया था और उसी दिन हमने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कराची रीजन में और ये कहा था कि आप लॉकडाउन करने तो जरूर जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर दिहाड़ी से कमाने वाले लोग हैं वो अपने मामला किस तरह चलाएंगे। इन्होंने अनाउंस किया कि मैं 20 लाख लोगों को जो है राशन पहुंचाऊंगा उनके घरों पे। आज मेरे ख्याल से 8 या 9 तारीख हो गई है, जहां तक हमारी मालूमात है शायद ये 5% तक भी नहीं पहुंचे हैं अभी तक।